जेई मेन 2019 में पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल एफिसियल 3 नॉर विद फेलिंग सॉल्यूशन। न्यूट्रल एफिसियल 3 से रिएक्शन नहीं करता इसका मतलब फिनॉल या फिनॉलिक नहीं है, और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता मतलब ये एल्डिहाइड भी नहीं है, ठीक है ना। इट हाउएवर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट द कंपाउंड विल बी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, एक देख रहे हो CH3CHOH है, और एक C2H5C डबल बॉन्ड ऑफ एल्कोहल है, कीटोन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, फिनॉल है, और कीटोन है और ईथर है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक तो उन्होंने कह दिया कि FeCl3 से रिएक्शन नहीं करता मतलब फिनॉलिक कंपाउंड नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, और दूसरा उन्होंने कह दिया कि ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। न्यूट्रल एफिसियल 3 से रिएक्शन नहीं करता मतलब फिनॉलिक नहीं होना चाहिए, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता मतलब एल्डिहाइडिक नहीं होना चाहिए, तो बी एंड सी आर एलिमिनेटेड। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, ए और डी। इन्होंने कहा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है और ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन भी करता है, तो ग्रिग्नार्ड एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है जो कीटोन पर रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड पर रिएक्शन करता है, एसिडिक एच पर रिएक्शन करता है, एसिड एसिड डेरिवेटिव पर रिएक्शन करता है, हर जगह डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन की तो कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। कैसे, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूं। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, अगर किसी कंपाउंड के पास CH3CO ग्रुप है और R है, या फिर CH3CHOH ग्रुप है और R है, ठीक है ना। आर कुछ भी हो सकता है, आर क्या नहीं हो सकता, आर ओ एच नहीं हो सकता, आर एन एच टू नहीं हो सकता, आर एक्स नहीं हो सकता, आर ओ आर नहीं हो सकता, आर ओ सी ओ आर नहीं होना चाहिए। आप देखें ध्यान से, अगर आर ओ एच होता तो ये एसिड बन जाता, अगर आर एन एच टू होता तो ये एमाइड बन जाता, एसिड हैलाइड बन जाता, एस्टर बन जाता, एनहाइड्राइड बन जाता, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिड और एसिड का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखें, अगर इसकी रिएक्शन इन दोनों में से किसी की रिएक्शन I2 प्लस NaOH से करवा दें, या हम इसको ऐसे लिख दें I2 प्लस OH माइनस लिख दें सिंपली, या हम इसको लिख दें IONa, या हम इसको लिख दें IO माइनस हाइपो आयोडाइट आयन, सबका मतलब एक ही है। तो क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये बिल्कुल लेफ्ट वाला ये निकल के चला जाएगा और बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसका नाम होगा आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। और जो दूसरा हिस्सा है वो बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें या तो ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर ये CH3CHOH ग्रुप है तो फिर इस H का होना अनिवार्य है, प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन इज नेसेसरी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही क्या, या तो हमारा कंपाउंड हो जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप लगा हो, या हमारा कंपाउंड ऐसा हो CH3CHOH ग्रुप लगा हो, और R कैसा होगा, कुछ भी हो जाए, R कुछ भी हो सकता है, बस ये ना, तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और ये इस तरह के कंडीशन में येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनाता है जो सॉलिड होता है, ठीक है। तो जरा ऑप्शन में देख ले, एक बार इधर की ओर देख ले, ये कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन भी करेगा, ये कंपाउंड है जो FeCl3 का टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये फिनॉल नहीं है, और ये कंपाउंड है जो फेलिंग्स के साथ टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ए इज आवर आंसर। नोट करें इसको।